सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको संजय के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने 18 दिन तक चलने वाले महाभारत युद्ध की हर एक घटना का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने किया था। वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे, अपने महल में बैठे बैठे, कुरुक्षेत्र में चलने वाली युद्ध की घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे थे। हस्तिनापुर जो आज का मेरठ माना जाता है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में मौजूद है, दोनों के बीच में करीबन 144 किलोमीटर का फासला है। फिर भी वो पूरी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे थे क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। प्रारंभ से अंत तक संजय धृतराष्ट्र के साथ रहे थे, वो उनके सलाहकार भी थे और उनके मार्गदर्शक भी थे। ये आश्चर्य की बात है कि एक तरफ राजा धृतराष्ट्र अंधे थे तो दूसरी तरफ संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। अगर हम आज के तरीके से देखें तो संजय टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। उनके पिता एक बुनकर थे और उनके पिता का नाम था गावल्यगण, इसलिए वो एक सूत पुत्र माने जाते थे। लेकिन संजय ने महर्षि वेदव्यास से ब्राह्मणत्व की दीक्षा ली थी और वेदों का अध्ययन करने के कारण वो विद्वान बने और उनको धृतराष्ट्र की सभा में एक मंत्री का पद मिला। धीरे धीरे वो अपनी विद्वता के लिए जाने जाते लगे, अपने स्पष्टवादिता के लिए वो जाने जाते लगे और उनको नजीक का स्थान मिल गया धृतराष्ट्र से और वो उनके सलाहकार बन गए। गीता का जो तो उपदेश था वो सिर्फ दो ही लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और एक संजय। देवताओं के लिए भी जो भगवान कृष्ण का जो दुर्लभ रूप है, जो उनका विश्व रूप है, उनके दर्शन भी सिर्फ संजय और अर्जुन ने ही किए थे। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए हमेशा जाने जाते थे। एक तरफ वो शकुनी की जो कुटिलता थी उससे धृतराष्ट्र को अवगत कराते रहते थे तो दूसरी तरफ कौरवों के द्वारा जो पांडवों के साथ अन्याय होता था उसके बारे में भी धृतराष्ट्र को बताते रहते थे। कई बार संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि वो महाभारत के युद्ध को रोक ले और भगवान श्री कृष्ण की बातों को मान ले, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ही था धृतराष्ट्र का कि वो अपने पुत्र के घमंड, उनके अहंकार को नहीं रोक सके। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जो उनको महर्षि वेदव्यास ने दी थी और वो इसीलिए दी थी ताकि धृतराष्ट्र सारी घटना का वर्णन अपने हस्तिनापुर में बैठे बैठे जान सके, इसलिए उन्होंने संजय को एक माध्यम बनाया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद युधिष्ठिर के राज्य में भी संजय कई सालों तक रहे, लेकिन जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने संन्यास ले लिया तब धृतराष्ट्र के साथ साथ संजय ने भी संन्यास ले लिया और वो उन्हीं के साथ वन में रहते थे। लेकिन जब धृतराष्ट्र का देहांत हो गया उसके बाद संजय हिमालय की ओर चले गए और फिर कभी भी वापस नहीं लौटे। तो इस तरह से संजय के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो महाभारत युद्ध के एक प्रमुख पात्र थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।